हेलो दोस्तों, मैं सलीम भाटी, आप देख रहे हैं भाटी टूल। हम तो हम फिर आ गए हैं और एक और नई वीडियो एंगल ग्राइंडर के ऊपर लेके। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ आपको 5 इंची एंगल ग्राइंडर के बारे में। मेरे पास काफी लोगों की कंप्लेन ने काफी लोगों की शिकायतें आ चुकी है और 5 इंची ग्राइंडर चलाते हैं वो जल जाता है, 1 महीने में जल जाता है, 2 महीने में जल जाता है। 5 इंची ग्राइंडर में 6 इंची ब्लेड डालते हैं, 7 इंची ब्लेड डालते हैं। लेकिन आज मैं सारी समस्याओं का समाधान आपको कर दूंगा, लेकिन मैं आपको पूरी रेंज के बारे में बताऊंगा। 5 इंची ग्राइंडर की पूरी रेंज मेरे पास 1750 रुपए से ग्राइंडर स्टार्ट होके 4000 रुपए तक की रेंज है। आपको लेना कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है और आप घर बैठे भी एक पीस मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा सबसे सस्ते एंगल ग्राइंडर के बारे में, जिसका नाम है फास्ट किंग का। और ये 5 इंच एंगल ग्राइंडर है और सबसे सस्ते वाला एंगल ग्राइंडर है, मजबूत वाला। ये नहीं है कि मजबूत नहीं है, सस्ता इसलिए, लेकिन आप देखोगे तो आपको रेंज भी बताऊंगा, पूरी रेंज बताऊंगा इसकी। नंबर एक पर एंगल ग्राइंडर आता है फास्ट किंग का, 5 इंच एंगल ग्राइंडर है, बढ़िया चीज है। 1400 वाट का है, 13000 राउंड का है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, लमसम मान के चलिए आप 2000-1000 रुपए के आर बार, लेकिन हम आपको देंगे 1750 रुपए का सिर्फ। और बढ़िया चीज है, आप इसमें 6 इंच ब्लेड डाल के चलाओ या 7 इंच डाल के चलाओ, वो आपकी मर्जी है। क्यों जलेगा तो फिर वो आपका ही जलेगा, क्योंकि गारंटी वारंटी तो इनकी आती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ दूसरा नया ग्राइंडर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा पावर। एक्स्ट्रा पावर काफी अच्छा ग्राइंडर है, हैवी है और हैवी के साथ साथ मजबूत वाला भी है। एक्स्ट्रा पावर ब्राउन सभी जगह चलता भी है, आपको मालूम भी होगा। रेड कलर का ग्राइंडर है, अच्छे वाला एंगल ग्राइंडर है, आप देख पा रहे हो। 1200 वाट का है, 11800 राउंड है और मजबूत वाला एंगल ग्राइंडर है इसका, देख पा रहे हो। एक्स्ट्रा पावर की ब्रांड लुकिंग वो आप दिखाई दे रही है, काफी अच्छे वाला है। 5 इंची ग्राइंडर है, 6 इंची 7 इंची आप कैसे चला सकते हो। थोड़ा हैवी है फास्ट किंग से, मजबूत वाला है। कॉस्ट इसकी मान के चलिए आप 2500-2600 रुपए हर बार। और यदि आप दीवार में झिरी लगाते हो और दीवार कटिंग करते हो या आपको रगड़ाई का काम करते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप ले सकते हो। यदि आपके पास बजट 2500 से 3000 के बीच में है तो आप ये ग्राइंडर भी ले सकते हो। और इसके बाद में जो एंगल ग्राइंडर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में जो एंगल ग्राइंडर है वो होने वाला डोंगचिंग कंपनी का। यदि आपको डोंगचिंग कंपनी का एंगल ग्राइंडर चाहिए, डोंगचिंग एंगल ग्राइंडर की दुनिया में सबसे पावर टूल्स की दुनिया में सबसे बढ़िया चीज बनाती है डोंगचिंग, आपको मालूम है। आप कैसे भी रफ एंड टफ यूज कर सकते हो। और आपको यदि ये ग्राइंडर चाहिए तो आप देख सकते हो 1200 वाट का ये ग्राइंडर है, जिसका साइज M14 बोलते हैं, जिसको 5 इंची बोर है और आगे का साइज है वो 5 इंची। आप 6 इंची 7 इंची ब्लेड आराम से डाल सकते हो, हैवी वाला है, सुपीरियर है, इसका बेयरिंग है, आर्मेचर फील्ड है, वो सुपीरियर चीज है और अच्छी वाली चीज है। कंपनी में मार्केट में आपको रेट मिल सकता है, लमसम आप मान के चलिए 2800 से लेके 3000 रुपए के आर बार और मार्केट में आपको मिल जाएगा। थोड़ा कॉस्टली है और चीजों से, लेकिन पावर टूल से डोंगचिंग का बढ़िया आता है। मॉडल आपको दिखाई दे रहा है DSM 2125D और काफी मजबूत वाला एंगल ग्राइंडर है। सीरियल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, मंडा हुआ है और अच्छी चीज है, हल्की नहीं है। इसके बाद में यदि आपको एंगल ग्राइंडर चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल ग्राइंडर ऐसा एंगल ग्राइंडर आएगा, फिर यदि ये जलता है तो फिर गारंटी रहती है भाटी टूल होम की। ये एंगल ग्राइंडर है योंगचिंग कंपनी का और योंगचिंग कंपनी का एंगल ग्राइंडर दिखने में सेम सही है सबके, लेकिन जिसका आर्मेचर और फील्ड काफी मजबूत वाला है। 1250 वाट का एंगल ग्राइंडर है, 5 इंची बोर है और राउंड इसके हैं, आप देख लो इसके ऊपर लिखा हुआ है 8500 राउंड पर मिनट है। राउंड इसका भले ही कम है लेकिन जलेगा नहीं है, मजबूत वाला एंगल ग्राइंडर है। यदि ये जलता है तो आपको बाकी टूल होम 180 दिन की वारंटी देगा। यदि आप ये जल जाता है तो 180 दिन में आपको रिपेयर करके देगा भाटी टूल होम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगा। यदि इसका आर्मेचर जल जाता है, फील्ड जल जाती है तो ठीक करके देगा। यदि काफी लोगों की समस्या थी कि हम तो बाहर के हैं, एंगल ग्राइंडर ले जाएंगे वो जल जाएगा तो कैसे होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस ट्रांसपोर्ट में आपका एंगल ग्राइंडर लगेगा उसी ट्रांसपोर्ट से आप वापस भेज सकते हो। वापस भेजने के बाद में
आप एंगल ग्राइंडर हम ठीक करेंगे, ठीक करने के बाद में उसको पैकिंग करेंगे, और पैकिंग करने के बाद में आपको वापस भेज दिया जाएगा एंगल ग्राइंडर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, इसकी जो सुपीरियर चीज है आगे का नट आप देख सकते हो एलकी वाला दिया गया है, कहीं भी कोई खुलने की शिकायत नहीं है, मजबूत वाली चीज मिलेगी है। इसके अलावा यदि आप सारे इन सारों से परेशान हो चुके हो, इन सारे एंगल ग्राइंडर आपने देख लिए, सब देख लिए, इसके बाद में कुछ लेना चाहते हो, अलग चीज लेना चाहते हो, हैवी काम करना चाहते हो मजबूत वाला, तो फिर मैं आपको देता हूँ DY के कंपनी का 5 इंच का एंगल ग्राइंडर, जो आप ये मान के चलिए 10 इंची ब्लेड 8 इंची ब्लेड वो भी ये खींच लेगा, मतलब चला लेगा। ये एंगल ग्राइंडर 1750 वाट का एंगल ग्राइंडर है, मजबूत वाला है, हैवी एंगल ग्राइंडर है। 6 इंची ब्लेड डालिए, 7 डालिए, 8 डालिए, 9 डालिए, आपका मन करे उतना डालिए, 6 महीने की गारंटी मिलेगी, बाटी टूल हम वाले देंगे आपको। ठीक है, 180 दिन में खराब हो जाएगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देंगे। जहां भी बैठे हो वहीं आप सिंगल पीस मंगवा सकते हो, कार्टून मंगवा सकते हो। यदि आपका होलसेल का काम है, या आप जैसे कि रिटेल का काम करते हो और आपको सेल करना है, तो आप कार्टून मंगवा सकते हो, हम लगवा देंगे। यदि आप रिटेल आप कस्टमर हो, आपको सिंगल पीस ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, तो भी बाटी टूल हम वाले आपको एक पीस भी आपको देंगे। आप बता देना जहां का हो, जहां का एड्रेस आपका है वहां का एड्रेस भेज देना, आपको वो पीस आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों हैवी वाली चीज है, 1750 वाट की है, आपको दिखाई दे रहा है, खूंखार एंगल ग्राइंडर है, 8.5 राउंड है पर मिनट का, और 125 mm का ग्राइंडर है, सिंगल फेस लाइट पे चलेगा, कोई वो भारी वाली लाइट नहीं जुड़ते इसमें। आप कैसे भी इसको दीवार में जीरी लगाओ, डबल पत्थर रखे डबल पत्थर काटो, डबल चौंका रखे चौंका काटो, रोड काटो, सीसी रोड है कॉन्क्रीट वाली वो रोड काटो, कैसे भी काम में लो आप, कुछ कैसे भी अलग तरीके से कैसे दबा के काम में लो, और ये चलता ही रहेगा, खराब नहीं होगा, आप ही तब जाओगे, ग्राइंडर रुकने वाला नहीं है, ऐसा ही ग्राइंडर कंपनी ने बनाया है। DY की कंपनी ओरिजिनल कंपनी है और इंडिया की कंपनी है, आप नेट पे भी ट्राई कर सकते हो, dptindia.com साइट है इसकी, उस पर ट्राई कर सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा। और ये बाटी टूल हमारे आपको देंगे, इसकी कॉस्ट आप मान के चलिए 3,900 से 4,500 तक इसकी कॉस्ट होती है, क्योंकि क्या है कि अलग अलग एरियो में ट्रांसपोर्ट किराया जो भाड़ा है वो अलग होता है, उसके कारण 100-200 महंगा सस्ता आपको मिल सकता है, कहीं पर भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वीडियो यदि आपको, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। कमेंट में आप लिख सकते हो कि आपको यस, मतलब यस का मतलब है कि वीडियो अच्छी है, यदि आपको अच्छी न लगे तो आप नो कर सकते हो, हम आगे और बेटर बनाने की कोशिश। तो दोस्तों हमारी वीडियो आखिर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें।